हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक सिंह लक्स RHA पे हमने आपको थर्मल पावर प्लांट पर पिछला वीडियो मैंने आपको दिया था एक, जिसका फ्लो चार्ट इस तरह से था, जिसमें थर्मल पावर प्लांट का पूरा एक निर्माण प्रक्रिया को हमने समझाने की कोशिश की थी। और इसको आप फिर से एक बार नज़दीक से देख सकते हैं, थर्मल पावर प्लांट। उसके बाद इसी पे हमने आपको बताने की कोशिश की थी कि राइस हस ऐश क्या है हमारा, और इसके यूटिलाइजेशन क्या क्या हो सकते हैं, या तो इंटरनेट से ही पता चलेगा। और इसका मतलब ये अपशिष्ट है थर्मल पावर प्लांट का। तो मैंने इस वीडियो में कहा था कि आपको एक पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन पर मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूँगा, जिस पर मैंने एक छोटा सा नोट भी बना रखा है जो आपके सामने है। आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको यहाँ एक छाया भी मिल रही है, लेकिन ये लाइट को मेज़र करने वाला एक लक्स मीटर होता है। इस समय कमरे में हमारे करीब, आप ध्यान से देखें तो 80 की लक्स है, ये लक्स मीटर है, और ये सेंसर है इसका सिंपली, और ये लक्स मीटर है। इससे हम लाइट की इंटेंसिटी को मेज़र करते हैं, प्रकाश की तीव्रता, या यूँ कहें। इस पर मैंने एक किताब भी छोटी सी बनाई है बच्चों को पढ़ाने के लिए कि पुरानी प्रथा में हमारा लक्स क्या था और उसका पीला रंग क्या था, उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी येलो कलर की, और घर में हमें किस तरह से प्रकाश की व्यवस्था को रखना चाहिए, और साथ ही साथ अपने एक थर्मल पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन की आपको हमने रिपोर्ट बताने की कोशिश की है, और अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं, कर रहा हूँ मैं आपके साथ। तो आते हैं लक्स पे, हम जानने की कोशिश करते हैं कि लक्स वास्तव में है क्या चीज़। तो मानव जीवन में आप जानवर और सबके लिए समुचित प्रकाश की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, मनुष्य के लिए और जानवर के लिए, और अगर लड़का क्लास में पढ़ रहा है तो उस क्लासरूम की क्या प्रॉपर लाइटिंग, लाइट एंड लाइटनिंग क्या होनी चाहिए दिन में। रात में तो आप देख ही रहे हैं, और अगर आप इंटरनेट पे जाएं तो आप, ये तीन सवाल हैं आप आराम से पूछ सकते हैं, मानव जीवन में और जानवर को समुचित प्रकाश की क्या व्यवस्था है, इंटरनेट से आप पूछ सकते हैं। दूसरा सवाल जो मुझे गूगल से अभी तक नहीं मिला, कि सूर्य की रोशनी में हम पठन पाठन करना क्या हमारा सही है, तो इसका आंसर गूगल नहीं दे पा रहा है, क्योंकि गूगल हमेशा बताता है कि 500 से मैक्सिमम 1000 तक पढ़ना चाहिए। वास्तव में हमारे कमरे भी, क्लासरूम भी हमारे इसी तरह डिजाइन है, और उसमें 500-600 की लक्स रहती भी है, 300 तक नॉर्मल है, और स्थानानुसार समुचित प्रकाश की क्या ज़रूरत है, और फिर ये लक्स क्या है, और इसका प्रकाश प्रदूषण, सूर्य की प्रकाश प्रदूषण जो मैं कह रहा हूँ, ये एक इतिहास में अगर हम जाएँ तो हम देखते हैं प्रकाश की व्यवस्था हमारी पहले से मशाल और दीपक से मिलती है, फिर जो दृश्य प्रकाश तरंग की तरंगे हैं जो हमारे आँखों के लिए सीमित हैं, उससे ज़्यादा हम देख भी नहीं सकते हैं, उनकी एक वेवलेंथ है जिसमें 7 रंग आते हैं, जिसमें पहला तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है इसलिए उस लाल रहती है, दूसरे की पीली है तरंग दैर्ध्य उसकी, और उस तीसरा हरा है और फिर है। इसी तरह से पीला रंग आँख के लिए, भौतिक विज्ञान भी कहता है कि कक्षा 12 में, कि यह ज़्यादा आँख के लिए सुग्राही माना जाता है, कि इसकी तरंग दैर्ध्य 550 एंगस्ट्रॉम तक की है। मैं आपको फिजिक्स की किताब की तरफ ले चलता हूँ, वहाँ भी आप देखेंगे तो यही लिखा होगा कि दृश्य प्रकाश तरंग में पीले रंग की प्रकाश हमारी आँख के लिए सबसे है, और प्रकाश लैम्डा 550 पीले रंग का है, अंडरलाइन है, जो कि हमारे लिए बढ़िया है और हमारी आँख के लिए बढ़िया रहता है। अब सवाल ये उठता है कि हमको कितने प्रकाश में रहना चाहिए, क्योंकि कभी हम घर में जब आते हैं तो हमारा प्रकाश की रोशनी, अगर आप इस कैमरे में भी देख रहे होंगे तो साफ दिख रहा है कि लाइट हमारे आँख पे स्ट्रेन पड़ता है, जब भी हम
कम पड़ रोशनी में पढ़ते हैं, 500 से 1000 तक तो गूगल बता रहा है, लेकिन 500 से 1000 लक्स में हम रहते हैं और कभी बाहर निकलते हैं चश्मा नहीं पहनते हैं, जबकि इसके बहुत उपाय हैं बचने के, लेकिन उससे हम हाई लो लक्स में हमेशा रहते हैं। कभी 1000 के लक्स में आ जाते हैं, कभी सूर्य की लक्स जो है लाखों में होती है वहाँ चले जाते हैं। तो इस तरह से हमें प्रकाश का प्रदूषण हमारी आँखों को होता है, और जानवर को भी स्थान के अनुसार कार्य के अनुसार कितना चाहिए उसको लक्स, ये आपको सबको देखना चाहिए, सर्च करना चाहिए। और एक साधारण ग्राफ में भी इसको आप समझ सकते हैं, सूर्य की लक्स को आप ध्यान से अगर देखें तो इसी इस बुक में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि सन का ये रेडिएशन लक्स है जो करीब 10 बजे तक ग्रीन है और शाम को 4 बजे बाद ग्रीन हो जाता है। तो 10 से 4 ही बढ़िया हमें प्रॉपर लक्स रहती है जिसमें कि हम पढ़ सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इस लक्स से बचा कैसे जाए, क्योंकि हाई लक्स लो लक्स है हमारे पास। तो सन से हमें हाई लक्स मिलती है, रात में हमें एलईडी बल्ब से लो लक्स मिल जाती है। आप खुद ही देख लीजिए, ये 77 की लक्स है। आप सोचिए 77 की लक्स, जबकि गूगल कहता है कि नॉर्मल एक्टिविटी के लिए हमें लक्स करीब 100 चाहिए होती है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन क्लियर हो जाएगा इसमें कि लक्स हमें से हमारी आँख का क्या संबंध है। अब मैं इस लाइट पर इस पर मोबाइल से इस मोबाइल से लाइट देता हूँ इस सेंसर पर, तो आप देखेंगे कि लक्स की वैल्यू बढ़ रही है। ये 103, 104, 105, 300 तक, मतलब जैसे जैसे इसके पास लेता जा रहा हूँ ये बढ़ती चली जा रही है। तो अब ऐसे ये लगभग 80-82 है। तो एलईडी बल्ब का प्रयोग आप अगर करते हैं तो टेबल लैंप में 5 वाट का बल्ब लगा के उसको अगर नीचे करके पढ़ें तो 500 लक्स मिल जाएगी, क्योंकि 1 वाट में 100 लक्स के करीब होता है। अब हम थोड़ा सा देखें कि प्रकाश की तीव्रता, जिसका लक्स क्या है, ये प्रकाश की तीव्रता की इकाई है। और ये लक्स एक वैज्ञानिक का नाम है, उससे पहले वाले वैज्ञानिक का नाम ल्यूमेन है और सबसे लास्ट वाले का नाम फोर्ट है। तो इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर प्रकाश की तीव्रता पर खोज की थी, और हमारे दीपक में भी प्रकाश की तीव्रता है। तो थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको भगवान ने सूर्य से बचने के लिए उत्तम दो तीन चीज़ें, चार तीन चार चीज़ें दी हैं, जैसे दे बहुत ज़्यादा नहीं दी हैं, लेकिन देखिए वृक्ष है, गुफा है, बादल है और वन है जिनको हम आजकल काट भी रहे हैं। तो ये गुफा, बादल, वन से आप हाई लक्स से बच सकते हैं। और कुछ मानव ने अपने लिए बनाया, लेकिन सबसे बढ़िया चीज़ मानव ने अपने लिए बनाया वस्त्र, कपड़ा, और उसमें भी काला रंग जो कि सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को भी रोक लेता है। मकान भी हमने बनाया, उसमें आंगन हमने डाला जिससे कि सन की रोशनी आए और प्रॉपर हर कमरे में 400-500 लक्स के करीब फैल जाए। तो पहले हम आंगन भी बड़ा बनाते थे, लेकिन अब तो आंगन छोटा बन रहा है। और इसी तरह से झोपड़ी, टीन, करकट शेड भी आए। हेलमेट की जहाँ तक बात की जाए, तो हेलमेट अगर काला रंग का हम पहनते हैं तो जान का तो एक है ही है, लेकिन आप ये भी समझिए कि आपके सर के बाल काले हैं कि जो अल्ट्रा वायलेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो सन से आपका ब्रेन सेफ होता है। तो हेलमेट अगर आप लगाते हैं तो आप जान की सुरक्षा के लिए नहीं, आप इससे आपका हाई लक्स से आपका ब्रेन भी बचता है। टोपी भी लगा सकते हैं आप, लेकिन नॉर्मल रूटीन में गाड़ी उड़ी चलाते समय आप हेलमेट ही यूज करें ज़्यादा बेटर रहेगा, और नॉर्मल में आप टोपी लगाएं और धूपी चश्मा। और वाहन, जहाँ आप जो आप रोड पे चलते हैं वाहन से, वाहन में भी हर वाहन में भी लक्स प्रॉपर निर्धारित है। अगर आप पीडीएफ पढ़ें और इंटरनेट पे जाएं तो आपको हर गाड़ियों में लक्स का प्रॉपर 150-200 आपको लक्स कहा गया है। और सूर्य से अगर आपको फ़ायदा लेना है तो इससे विटामिन लेनी है तो 6 से पहले आप लें और शाम को 5 बजे के बाद ही लें, क्योंकि इसके बीच में इसकी लक्स जो है 50,000 से 1 लाख के बीच में होती है।
तो इस समय 10 से 4 बजे के बीच में, और ये तो स्कूल का हमारा टाइम भी था पहले कि बच्चे प्रॉपर घर में 10 बजे 4 बजे तक ना रहें और 10 से 4 स्कूल में आ जाएं, जिससे कि उनको प्रॉपर लक्स भी मिल जाए। खेती करने वाले लोग भी पहले खेती कर लेते थे जितनी जल्दी सवेरे उठ के 4 बजे, तो वो हाई लक्स से बचने का था। जाड़े में भी आप नाप लें, मेज़र कर लें, मैं लक्स मीटर से आपको अगले वीडियो में मेज़र करा के दिखा दूंगा कि ये लक्स 12 महीना एक जैसी रहती है। अब बादल के समय जब बादल आता है तो उस समय इसकी इंटेंसिटी 2000 लक्स हो जाती है। आप कहीं भी नाप लें, आपके मोबाइल में भी लक्स मीटर ऐप है, पहले नहीं था। तो 2-3 साल, करीब 3-4 साल से मैं इस पर काम कर रहा हूँ, तो मुझको बहुत सी चीज़ें मिली कि मानव को पढ़ने के लिए 300 से 500 लक्स की आवश्यकता होती है, और एलईडी में जो है इसका 1 वाट में 100 लक्स होता है लगभग, और इसको सीधे कमरे में लगा के 7 वाट से आप डायरेक्ट पढ़ते हैं अगर, तो आपको रोशनी निश्चित रूप से कम मिलेगी। जैसे यहाँ पर 80-85 मिल रही है, इस कमरे में करीब 20 वाट का बल्ब है, तो आप बेहतर होगा कि आप टेबल लैब में 5 वाट का बल्ब लगाएं और उससे बच्चों को पढ़ाएं, वरना चश्मा लगना निश्चित है। और हाई लक्स लो लक्स ये हमारा सवाल है, प्रकाश का प्रदूषण भी है, और प्रकाश के प्रदूषण ना कहें हम इसको, है तो टॉपिक प्रकाश का प्रदूषण ही, लेकिन अपने लिए, हमारी आँख के लिए, मानव के लिए आपका प्रकाश का। अब आप गूगल में थोड़ा सर्च करें कि एक दुधारू गाय को कितने लक्स की आवश्यकता होती है, तो गूगल ये बताता है कि 200 लक्स। फॉरेन में भी अगर हम देखें तो जितनी भी गायें हैं वो एक शेड में रहती हैं और उसका लक्स 200 से नीचे ही रहता है, और वो दुधारू गाय बढ़िया दूध देती हैं। जबकि हम अपने यहाँ गायों को पेड़ के नीचे बांध देते हैं, जबकि 12 बजे पेड़ के नीचे भी 5000, 6000, 8000 की लक्स होती है, जबकि गाय को 200 लक्स की आवश्यकता। इंटरनेट से आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं जानवरों को, तो इस चीज़ को थोड़ा सा लोगों में जागृत करें। मेरी तो, मैं करीब इस पर एक दीपक सिंह लक्स करके मैंने करीब 30-40 वीडियो डाले थे, लेकिन कमेंट्स मुझे नहीं मिले कि ये इसमें सही क्या गलत क्या। लेकिन हाई लक्स और लो लक्स का मैंने कई डॉक्टरों से भी डिस्कस किया और इंजीनियरिंग कॉलेजों से भी डिस्कस किया, लेकिन कहीं से मुझे कोई उत्तर नहीं मिला पॉजिटिव कि ये क्या है। और लोग धूप में अखबार पढ़ रहे हैं, बच्चे बच्चों को धूप में बैठा के पढ़ाया जा रहा है, तो क्या है 50,000, 60,000, 1 लाख की लक्स को अगर आप वाट में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और क्या इतने वाट में या इतने लक्स में पढ़ना उचित है। और मैंने आरटीआई भी कुछ इस पर कर रखी है, कुछ अधिकारियों से पूछा, लेकिन जवाब उनके पास भी नहीं था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। और लेकिन ये मैं जान रहा हूँ कि लक्स के बारे में बहुत लोग अननोन हैं अभी, और कॉलेजों में भी लगभग शिक्षा में इतना डीप नहीं जा पा रहे हैं टीचर्स, तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि थोड़ा सा इस चीज़ को डीपली ले जाएं और धूप में बच्चों को बैठा के ना पढ़ाएं, पेड़ के नीचे भी ना बैठा के पढ़ाएं दोपहर में, क्योंकि वहाँ भी 5000, 6000 की लक्स रहती है। तो अगर पढ़ाना ही है तो 8 बजे पहले पढ़ाएं या फिर शाम को 5 बजे के बाद पढ़ाएं। और वृक्ष में पीपल, बरगद, नीम एक ऐसे पेड़ हैं कि जो आपको सवेरे 10 बजे तक बढ़िया लक्स देते हैं, दोपहर में भी ठीक ठाक दे देते हैं, लेकिन इतना नहीं देते कि आप जो है हीट कि आप आराम से रहें 500 या 1000, वरना हीट थेरेपी आप लेने लगेंगे पेड़ के नीचे लेट के, और ले ही रहे हैं लोग। और इस पर अभी किसी ने कुछ अपने विचार रखे नहीं हैं, और मैं चाहता हूँ कि लोग अपने विचार रखें। कुछ लोगों ने विचार रखे भी हैं तो साबुन या बनियाइन, यही इन्होंने विचार रखे हैं, और जबकि आप ध्यान से देखें तो लक्स का मैनेजमेंट कुछ घर में इस तरह से होना चाहिए कि जहाँ पर ज़्यादा रोशनी है वहाँ ज़्यादा रोशनी रखें और जहाँ कम है वहाँ कम है रखें। लाइट एंड लाइटनिंग ये लगभग सबको आना चाहिए कि हमें कितने प्रकाश में रहना चाहिए। हमें तो यही नहीं मालूम हमें कितने प्रकाश में रहना चाहिए, और जो है जब हम अपनी आँख की लक्स नहीं जान रहे हैं तो जानवर की जानने के लिए हमें बहुत दिक्कत आएगी। तो बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा इस पर रिसर्च करें, जो गांव के बच्चे हैं वो भी थोड़ा सा इसको देख लें, और गाय को, एक ही गाय को लेके प्रॉपर 200 लक्स में रखें। मोबाइल में लक्स मीटर है, उससे मेजर कर लें, और 50 से इंटरनेट से आप चेक कर लें। चेक करने के बाद फिर उसको जो है गाय को
रखें, उसको एक महीने के अंदर धो के देखें, निश्चित उसके 20% दूध में बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि लाइट का प्रदूषण जो है मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि साइड से रिफ्लेक्शन भी हमको मिलता है। तो इस वीडियो में मैं बहुत कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, लेकिन इस टॉपिक बहुत लंबा है और ये करीब एक किताब देख ही रहा है आप भरी हुई है, और सारे सबूत सामने रखे हुए हैं जो कि इस बात को प्रूफ कर देंगे कि जो है कि हमें हाइलक्स में नहीं पढ़ना चाहिए। और पता नहीं कैसे डॉक्टर्स लोग एडवाइस नहीं करते हैं, मैं विशेषकर आई सर्जन से निवेदन करूंगा कि वो इस हाइलक्स लोलक्स को समझें। मैं इसका टाइटल ही यही रख रहा हूँ, हाई एंड लोलक्स। तो हाई एंड लोलक्स को थोड़ा सा जानें, ये मेरे अनुभव में है और मैं इस पर करीब 2-3 साल से PDFs वगैरह भी पढ़ रहा हूँ और क्लासों में बच्चों से पूछ भी रहा हूँ, कई जगह पूछा, लेकिन मुझे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पा रहा है और ना ही कोई दे रहा है। और नेताजी लोगों की बात करें तो सच कहें तो अपने तो तंबू में हो जाते हैं, भीड़ को धूप में हजार हजारों के लक्स में खड़ा करके तालियां बजाना, ये भी मुझे एक अब समझ में धीरे धीरे आने लगा है कि हाई लक्स का जरूर कहीं ना कहीं हमारे मेटाबॉलिज्म पर इसका प्रभाव पड़ता होगा, और ये शोध का विषय है और मैं चाहूँगा कि इस पे लोग शोध करें। 3-4 साल से मैं तो कर ही रहा हूँ, कई लोगों को भेज भी चुका हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी दिया हूँ, कई लोगों को भी दिया हूँ, लेकिन कहीं से पॉजिटिव आंसर नहीं आया मेरे पास अभी तक। तो मैं फिर आपसे निवेदन करूँगा, मैंने इस पर 30-40 वीडियो बना के दीपक सिंह लक्स करके यूट्यूब पे डाले थे, आप चाहे उसमें, उसके बाद मुझे कोई कमेंट्स वगैरह नहीं आया तो मैंने डिलीट कर दिया। मैं पुनः कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार जो है आपके कुछ कमेंट्स आए, और मुझे लाइक सब्सक्राइब की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा इसमें मेरा इंटरेस्ट, लेकिन मैं ये मामला आँख का है और प्रकाश का प्रदूषण है, लाइट पोल्यूशन, तो इसका लाइट पोल्यूशन ही एक बढ़िया कंटेंट है। और हम लोग टीचर हैं, पढ़ाते हैं प्रदूषण को, तो लगभग सारे प्रदूषण पढ़ा देते हैं, साउंड पोल्यूशन पढ़ा देते हैं, लेकिन लाइट पोल्यूशन क्या है, तो लाइट पोल्यूशन को समझना होगा पहले, उसके बाद फिर हम उसको कह सकते हैं कि हम पोल्यूटेड लाइट में खड़े हैं या सही लाइट में खड़े हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दीपक सिंह RHA या दीपक सिंह लक्स, RHA और लक्स, ये दोनों मुझे परेशान किया हुआ है, क्योंकि इसका सोल्यूशन मुझे अभी तक मिल नहीं पा रहा है कि इस RHA राइस ऐश का मैं क्या करूं और इस लक्स का मैं क्या करूं, कि इस लक्स को जब तक मैं जान गया, नहीं जानता था तो बड़े आराम से मैं भी घूमता था, चश्मा लगाता था, लेकिन जब से जान गया हूँ तब से मेरे लिए बहुत दिक्कत है। और प्लीज़ मेरी सहायता करें और मुझे कमेंट में बताएं कि ये सही है तो ठीक है, मैं भी आँख खोल चोर लगा के चश्मा पढ़ूंगा और बच्चों को पढ़ाऊँगा, नहीं बताऊँगा कि लक्स से आँख खराब होती है, लेकिन कुछ तो मुझे कमेंट करिए आप लोग। मैं आप लोगों से फिर हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, मुझे लाइक सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा नहीं, कमेंट्स चाहिए आपके, तो कमेंट्स में मुझे दें कि ये कमेंट्स क्या है, सही है गलत है, जबकि हमारी फिजिक्स की किताब आप खुद देख लें, कक्षा 12 की, ये फिजिक्स भौतिक विज्ञान है और लाइट का चैप्टर है जिसमें बहुत बढ़िया से इसको समझाया गया है और बताया गया, दिखाया गया है हर जगह, मतलब लाइट के 4-5 पन्नों में इसको समझा दिया गया है। तो इससे बचने के यही उपाय, वृक्ष, गुफा, बादल, वन, मानव निर्मित मकान, कपड़ा सबसे बढ़िया है, वो भी काले रंग का, आप देखते होंगे कि बहुत लोग काले रंग से अपने पूरे कपड़े को ढक लेते हैं, तो इससे वो अल्ट्रा वायलेट रेस से बच जाते हैं और उसके साथ ही साथ उनकी स्किन भी बचती है और वो उनका रंग भी फेयर रहता है, आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए, और 19-20 मिनट बहुत होता है मेरे जैसे एक छोटे आदमी के लिए, और फिर भी आप जाने, और मैं तो इस RHA लक्स जो भी नई चीज़ें अभी मेरे पास, जो ये पावर प्लांट बनाने का अनुभव है, थर्मल पावर प्लांट का, इस कंस्ट्रक्शन का, इसका भी मैं एक एक पार्ट का, एक एक चीज़ का अनुभव आपको देने की कोशिश करूँगा कि चिमनी कैसे बनी, ESP कैसे बनी, बॉयलर कैसे बना, टरबाइन कैसे बना, हर कंडेंसर, कूलिंग टावर कैसे बना, इनका वर्क ऑर्डर, डॉक्यूमेंट कंटेंट्स क्या था, ये भी बताऊँगा। लेकिन फिलहाल तो एक ये बहुत बड़ा मैटर है लक्स का, जिससे कि आप लोग जाने, मैंने इस पर चिट्ठी कई मंत्रालय को लिखी है लेकिन कहीं से मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा है कि ये है क्या चीज़।
और अगर ये प्रकाश की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है तो हम लोग 50,000 से 1 लाख तो हम बच्चों को 2 बजे धूप में छोड़ देते हैं, उसमें लाखों की लक्स रहती है, वो बच्चे घर जाते हैं। तो ये सही है, 10 से 4 स्कूल होना चाहिए। 10 से 4 स्कूल हमारा पुराना था और इसी पैटर्न पे था कि 10 से 4 बच्चे सूर्य की रोशनी से बचेंगे और शाम को जब लक्स डाउन होगी तो वो खेलने उलने चले जाएंगे और गांव में लोग खेत में काम करेंगे। जहाँ तक मेरा सोचना ये है, आपका क्या सोचना है आप लोग प्लीज़ मुझे अपने कमेंट करके बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस किताब को मैं आपको ज़रूर पढ़ के सुनाऊँगा कि इसके अंदर क्या क्या है। और ये एक लाइन तो आप हम देख ही लें कि ये दक्षता स्वास्थ्य शिक्षा पे है, और इसमें मेरा एक ही क्वेश्चन है, क्या हम अंधेरे में हैं? तो हमें प्रॉपर लाइट नहीं मिल रही है, प्रॉपर लक्स नहीं मिल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि लक्स इंटेंसिटी है और फ्लक्स उसका फैलाव है। तो बहुत लोग लक्स और फ्लक्स में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो कन्फ्यूज़ ना हो, फ्लक्स फैलाव है और लक्स जो है उसकी इंटेंसिटी है। तो इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, वरना हमारी आँखों पे स्ट्रेन भी पड़ता है। तो इस चीज़ को आप जानें और हम थोड़ा फैलाएं, और अगर गलत हो तो मुझे डिसलाइक करें या कुछ नेगेटिव कमेंट दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दीपक सिंह, मैं आपका दोस्त, और अपने अनुभवों को मैं शेयर कर रहा हूँ, एंड एक्सपीरियंस विथ एक्सपीरियंसेस ये कहिए, क्योंकि अनुभवों के बाद जब अनुभव लिया जाता है तो वो बड़ा अच्छा अनुभव होता है। तो मैं आपको फिर अब इन सब ट्यूटोरियल मटेरियल्स के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, ज़्यादा टाइम हो गया। थैंक यू वेरी मच।